प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 बिल्कुल एक्सरसाइज 2.3 से मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 2.3 में जब किसी बहुपद को किसी रैखिक बहुपद से भाग देते हैं, किसी बहुपद को किसी रैखिक बहुपद, जो बहुपद होगा हमारा px, उसकी घात कितनी होगी? एक या एक से ज्यादा होगी। तब ऐसे किसी बहुपद को जब हम किसी रैखिक बहुपद से भाग देते हैं तो उस केस में हमने शेषफल किस तरह से निकालते थे ये हमने सीखा था, जिसको हमने शेषफल परिमेय के द्वारा निकाला था, जिसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक इसी तरह से एक्सरसाइज 2.4 में हमें px कोई बहुपद है जिसकी घात एक या एक से ज्यादा है, और जब हमें यह चेक करना है कि कोई रैखिक बहुपद उसका गुणनखंड है या नहीं है, तो ये इसके लिए हमारे पास क्या है? फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड परिमेय। तो एक बार दोबारा से जो संख्याओं से संबंधित ये दोनों जो थ्योरम है संख्याओं से संबंधित है उसको एक बार समझते हैं। देखो, मान लो हमारे पास 9 है, क्या 9 का गुणनखंड 2 होगा? क्या 2 9 का गुणनखंड है? हमारा क्वेश्चन है कि क्या 2 9 का गुणनखंड है? तो आप कहेंगे सर कि नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि 9 2 पे पूरा पूरा भाग नहीं होता, या फिर ये कहेंगे 2 9 को पूरा पूरा भाग नहीं करता। देखो, अगर हम भाग करते हैं 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, शेष आ गया, ये हमारा शेषफल है। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 3 24 का गुणनखंड है, तो आप कहेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि जब हम 24 को 3 से भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा भाग है, तो ये हमारा शेषफल। अब गुणनखंड का कहीं ना कहीं शेषफल से संबंध है, ये कहें कि गुणनखंड का शेषफल से ही संबंध है सारा। तो इसी तरह से जो गुणनखंड परिमेय होगा, जो फैक्टर थ्योरम होगी, वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड ही होगी, उससे संबंधित ही है। अब देखो, शेषफल से गुणनखंड पे कैसे जाते हैं? मान लो अगर शेषफल 0 हो जाता है तो जिससे भाग दिया है वो गुणनखंड हो जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है, सीधी सी बात है। तो गुणनखंड पे जाने के लिए हमें शेषफल ही देखना है ना, यानी कि जो शेषफल परिमेय है, जो रिमाइंडर थ्योरम है, उसका जो अगला स्टेप है वो गुणनखंड परिमेय है या फिर फैक्टर थ्योरम है। तो सीधी सी बात है, देखो भाई, जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग कर रहे हैं, अगर वो पूरी पूरी भाग है, यानी शेषफल 0 आ गया तो उसका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, सीधी सी बात है बिल्कुल। अब ये काम हमने संख्याओं के लिए किया, अब ये काम अगर हम बहुपदों के लिए करें, अगर इस काम को हम बहुपदों के लिए करें तो इसमें क्या होगा? मान लो px हमारे पास एक बहुपद है जिसकी जो घात है वो कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 है या 1 से ज्यादा है।
इसकी जो घात है वो या तो एक है और या एक से ज्यादा है। जब इसको किसी रैखिक बहुपद से भाग किया जाता है, मान लो रैखिक बहुपद हमने ले लिया x माइनस ए, ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या रियल नंबर है, तो इस बहुपद को इस रैखिक बहुपद से जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल वही आएगा जो पीए का मान होगा। अब पीए का मान क्या होगा? पीएक्स में एक्स की जगह पे ए रख के जो मान आएगा वही शेषफल होगा। बस सीधी सी बात है, ये हमारा शेषफल परिमेय है। अब अगर शेषफल जीरो आ गया, अगर ये रखने के बाद शेषफल जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है? गुणनखंड है। तो ये क्या होगा? हमारा गुणनखंड होगा। तो उससे अगला स्टेप हो गया, ये हमारा गुणनखंड परिमेय हो गया। तो बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक बार इसको कंक्लूड करते हैं। इनके दोनों का जो संबंध है वो किस चीज से है? शेषफल से। जो हमारा शेषफल परिमेय है वो क्या कहता है? कि px एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से ज्यादा है, यानी कि px हमारा, ये तो सारे px लिखे हुए हैं, एक भी हो सकती है, घात एक से ज्यादा भी हो सकती है, सारे के सारे px लिखे हुए हैं वाला एक बहुपद है, और a कोई वास्तविक संख्या, a कोई भी वास्तविक संख्या है। तो ये जो px है इसको जब हम किसी रैखिक बहुपद से भाग करेंगे, इसको जब किसी रैखिक बहुपद x माइनस a तो हमने वैसे जनरल ले लिया, कुछ भी हो सकता है, से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? pa, यानी कि px में x की जगह पे a रखने से जो मान आएगा वही हमारा शेषफल होगा। इतनी बात होगी। अब मान लो ये शेषफल जीरो आ जाए, ये शेषफल जीरो आ जाए, तो इसका मतलब जो ये x माइनस ए है वो px का गुणनखंड है, वो px का गुणनखंड है। एक क्वेश्चन हमने 2.3 एक्सरसाइज में किया था, जिसमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि चेक करो ये इसका गुणनखंड है या नहीं, यानी कि शेषफल अगर जीरो आ गया तो गुणनखंड है, नहीं तो फिर गुणनखंड नहीं है। तो ये हमारा शेषफल परिमेय है। अब गुणनखंड परिमेय फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं? px घात n, घात n है लेकिन वो n का मान कैसा है? घात या तो एक है या एक से ज्यादा है वाला एक बहुपद है, और a कोई वास्तविक संख्या है। देखो उसको थोड़ा समझना है, a कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस ए पीएक्स का एक गुणनखंड होगा। x माइनस ए पीएक्स का गुणनखंड कब होगा भाई? जब x की जगह पे a रखेंगे इसमें तो ये जीरो बने, यानी कि जब पीए बराबर है जीरो। तो कोई बात नहीं, ये ऊपर हमने बात यही की है, ये सारी बात हमने यही की है। आगे क्या है कि अगर पीए जीरो है, पीए जीरो कैसे बना होगा? x की जगह पे a रखा होगा तभी तो पीए बना होगा। तो अगर पीए जीरो है तो इससे हमारा जो रैखिक बहुपद है वो कैसे मिलेगा? इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस a, यानी कि रैखिक बहुपद हो गया। यानी कि अगर जीरो आ रहा है पीए तो ये जो रैखिक बहुपद है ये गुणनखंड होगा। अगर पीए जीरो होता है, पीए जीरो होता है यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो। एक ही बात है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। शेषफल परिमेय से जस्ट अगला स्टेप क्या है? फैक्टर थ्योरम है, गुणनखंड परिमेय है। कि क्या कहते हैं कि x माइनस ए px का गुणनखंड कब होगा? जब pa का मान जीरो होगा। ये तो हमने ऊपर भी कर लिया था इसके बारे में बात। अब दूसरी बात कह रहा कि पीए जीरो कब होगा? पीए जीरो कब होगा?
जब x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा तो एक ही बात है, सारी बहुत सिमिलर सी चीज है, कोई ज्यादा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी सारे काम को मैं बिल्कुल ब्रीफ में समराइज करता हूं जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है हमारे पास, दोनों ही थ्योरम में एक तो हमारे पास बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है बहुपद जिसको हमने नाम दिया है पी एक्स। इसकी जो घात है जिसको हमने एन मान लिया है, इस एन का मान एक या एक से ज्यादा होगा, एक बात। दूसरी बात, ए कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर है। तो जब x माइनस ए से पी एक्स को भाग देंगे, जब x माइनस ए से पी एक्स को भाग देंगे, x माइनस क्या है, a क्या है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जब x माइनस ए से पी एक्स को भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ये वही होगा जब हम x की जगह पे a रख देंगे, किसमें, किसमें रख देंगे, पी एक्स में, और वो क्या बन जाएगा, पी ए। तो जो पी ए का मान होगा यही हमारा शेषफल होगा, यही हमारा शेषफल होगा। दोबारा से बात कर रहे हैं, पी एक्स एक बहुपद है, ये सारा इनमें से कोई सा भी हो सकता है, घात एक या एक से ज्यादा, ए कोई वास्तविक संख्या है, और एक रैखिक बहुपद से भाग करने की बात हो रही है। तो x माइनस ए कोई रैखिक बहुपद है, यहां पे a कोई वास्तविक संख्या है। तो जब x माइनस ए से px को भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा क्या, x की जगह पे a रख दो इस बहुपद में, तो ये pa बन जाएगा, यानी कि जो pa का मान होगा वही हमारा शेषफल होगा। अब जो pa का मान है, पीए का मान तो जीरो भी आ सकता है, जीरो के बराबर भी आ सकता है, और जीरो के बराबर क्या पता ना है, क्या पता तो जीरो के बराबर आ जाए, और क्या पता जीरो के बराबर ना है। अगर पीए, पीए का मान जीरो के बराबर आ गया तो ये जो एक्स माइनस ए है वो पीएक्स का, एक्स माइनस ए पीएक्स का गुणनखंड है। ये पहुंच गए वही हम फैक्टर थ्योरम पे, गुणनखंड परिमेय पे। अगर पी ए का मान जीरो के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब एक्स माइनस ए पी ए का गुणनखंड नहीं है। तो बेसिकली सिर्फ ये बात है जो आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस। भैया आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ये किए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा ही था। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस एक है। अब देखो ये रैखिक बहुपद दे रखा है, तो ये पूछा है कि ये x प्लस एक इनमें से किसी का गुणनखंड है या नहीं है। यानी कि अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये तो हमारे पास पी एक्स है, कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, और रैखिक बहुपद हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस एक, एक्स प्लस एक, इसको आप क्या हुआ x मान लो बेशक, ठीक है। अब ये इसका गुणनखंड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, इसका शेषफल निकालना पड़ेगा। शेषफल निकालने के लिए रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं, इसको जीरो के बराबर रखे, x बराबर माइनस एक, तो x की जगह पे माइनस एक रख देते हैं। जब इसको px को क्या हुआ से भाग करेंगे तो उससे शेष बचेगा जो उसका पता चल जाएगा। ये हम 2.3 का ही काम कर रहे हैं अभी तक, तो x की जगह पे माइनस एक रख दिया तो ये p माइनस एक आ गया, ये आ गया माइनस एक क्यूब प्लस माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक और प्लस एक, तो p माइनस एक, तीन बार माइनस हो गया तो माइनस का एक
किया है तो प्लस का एक, ये माइनस का एक और ये प्लस का एक, तो ये माइनस प्लस के साथ, माइनस प्लस के साथ, पी माइनस एक बराबर है जीरो। अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि पी एक्स को क्या हुआ, एक्स पी एक्स हमारा ये है और क्या हुआ एक्स हमारा ये है, भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ, शेषफल जीरो प्राप्त होता है। अब गुणनखंड की बात करें ना, तो गुणनखंड परिमेय द्वारा शेषफल जीरो आ रहा है, इसका मतलब गुणनखंड है, इसका मतलब x प्लस एक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक का एक गुणनखंड है। एक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि और भी हो सकते हैं, इसके जितनी पावर है उतने हो सकते हैं, तीन पावर है तो तीन गुणनखंड इसके हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है एक्स रेस टू पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन, तो ये हम इसको पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स सेकेंड पार्ट क्या हुआ एक्स हमारा, ये तो एक्स प्लस वन फिक्स ही है, इसको हमने जीरो के बराबर रख दिया था, एक्स का मान कितना आ गया माइनस एक, तो पी माइनस एक निकालेंगे, माइनस एक इट्स पावर फोर, माइनस वन पावर थ्री, माइनस वन पावर स्क्वायर टू, माइनस वन और प्लस वन, तो ये वन आ गया, फोर है पावर, तो दो चार छह आठ इनसे तो प्लस मिलेगा, एक तीन पांच सात इससे माइनस मिलेगा, तो माइनस वन ये प्लस वन ये माइनस वन और प्लस वन, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ एक बच गया, तो पी माइनस एक एक आ गया, तो जीरो के बराबर नहीं आया। इसका मतलब शेषफल कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो जीरो तो नहीं आ रहा है, तो गुणनखंड परिमेय से हम सीधा ही कह सकते हैं कि गुणनखंड परिमेय द्वारा क्या कि एक्स प्लस एक एक्स रेस टू पावर फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है क्वेश्चन को करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से पार्ट थर्ड है हमारे पास, पी एक्स मान लेते हैं हम इसको, एक्स रेस टू पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हमारे पास एक्स प्लस वन इसको हम क्या हुआ एक्स मान लेते हैं, तो जीरो के बराबर रख देंगे तो एक्स का मान माइनस एक आ जाएगा, तो यहां से पी माइनस एक निकालेंगे, तो माइनस वन इट्स पावर फोर थ्री इंटू माइनस वन इट्स क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन, तो पी माइनस वन, माइनस वन रेस टू पावर फोर तो वन ही आ जाएगा, प्लस ये थ्री है और यहां से माइनस वन मिलेगा, प्लस ये थ्री है और यहां से प्लस वन मिलेगा, ये माइनस वन और प्लस वन, तो पी माइनस एक, ये वन थ्री के माइनस वन के साथ करेंगे तो माइनस थ्री, थ्री की वन के साथ करेंगे तो प्लस थ्री, माइनस वन और प्लस वन, ये आ गया हमारे पास, यहां से प्लस का वन इससे माइनस मिलेगा तो माइनस थ्री, इससे प्लस मिलेगा तो प्लस थ्री, इससे माइनस, और ये ठीक है, माइनस थ्री प्लस थ्री के साथ वन माइनस वन के साथ, तो पी माइनस वन ये हमारे पास वन आ गया, तो ये भी जीरो के बराबर नहीं आया, तो लिखते हैं कि गुणनखंड परिमेय द्वारा क्या कि एक्स प्लस एक एक्स रेस टू पावर फोर थ्री एक्स क्यूब
प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास पार्ट थर्ड। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर की तरफ। पार्ट फोर में हमारे पास पी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स और प्लस रूट टू। तो ये पी एक्स है, रूट को देखे घबराना नहीं है, जो कुछ होता होगा अपने आप होता रहेगा। तो क्या वो एक्स है हमारे पास x प्लस वन, इसको जीरो के बराबर रख दिया तो x का मान माइनस वन आ गया। तो p माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस और ये माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, और ये देखो x है ना तो गुणा है, इसका मतलब माइनस वन और प्लस रूट टू। तो p माइनस वन, माइनस वन का क्यूब तीन बार है तो माइनस वन हो गया, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन हो गया था लेकिन इस माइनस की वजह से फिर माइनस। अब देखो माइनस वन की माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वन की इसके साथ करेंगे तो प्लस का टू और प्लस का रूट टू हो गया और ये प्लस का रूट टू ये आ गया हमारे पास। अब देखो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू और प्लस का टू ये तो कैंसिल हो गई, ये एरिया से हो गई, मान लो ये माइनस का हो जाए यहां पे तो फिर ये कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन अब तो ये कितना बचा p माइनस वन, ये आ गया रूट टू और रूट टू कितना हो गया टू रूट टू, जीरो के बराबर नहीं आया। लिख सकते हो कि बराबर नहीं है किसके, जीरो के। यहां पर भी आप लिख सकते हो कि जीरो के बराबर नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट कहीं हमने कोई गलत तो नहीं लिखती है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो यहाँ प्लस माइनस होता तो ये कैंसिल हो जाता, फिर उस केस में आंसर हाँ हो जाता क्योंकि अभी जीरो नहीं आया इसका आंसर नहीं है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया गुणनखंड प्रमेय द्वारा। क्या लिख सकते हैं हम कि x प्लस एक एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स और प्लस रूट टू का गुणनखंड नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।